बरेली जेल में बंद माफिया अखंड प्रताप सिंह की आजमगढ़ में मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई है। तरह ब्लॉक प्रमुख रहे अखंड प्रताप सिंह पर मशहूर ट्रांसपोर्टर धनराज यादव की हत्या व रफल लूटने का आरोप है। माफिया खंड पर कुल 35 मामले दर्ज है। माफिया खंड 2017 में बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुका है। पेशी में 113 का बयान दर्ज हुआ है। बयान के दौरान अखंड ने जज से दवा खिलाने की व्यवस्था की मांग की है, जिस पर जज ने मंजूरी दे दी है। लखनऊ में अजीत सिंह हत्या मामले में ध्रुव सिंह कुंटू का संयुक्त आरोपी है। माफिया खंड प्रताप सिंह की पेशी को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, गैंगवार की आशंका की वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ हुई थी माफिया खंड प्रताप सिंह की पेशी। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया खंड को फिर से बरेली जेल के लिए रवाना कर दिया गया। खंड प्रताप सिंह के खिलाफ तरवा का गैंगस्टर मामला था 511/8 तरवा थाने का। उसमें दो अभियुक्त थे, एक अभियुक्त आरोप पत्र प्रेषित होने के पहले ही मर चुका था और एक अभियुक्त अखंड प्रताप का आज 313 बना। इसमें कुल 24 साक्षी थे, परीक्षित कराए गए 5 साक्षी और 313 की कार्यवाही आज संपूर्ण हुई। उनको बरेली जेल से तलब किया गया था अखंड प्रताप को। तो सुरक्षा की तरफ, सुरक्षा को लेकर भी कुछ तमाम सुरक्षा उनकी शासन प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से मुहैया कराई गई। डेट कब पड़ी है? डेट 9 जनवरी, अगली डेट जो है 9 जनवरी है। इसमें आगे की कार्यवाही के लिए उनके द्वारा मांग की गई थी कि हमको दवा खाने और खाना खिलाने की व्यवस्था किया जाए, उसको उन्होंने कहा ठीक है।